बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि अपने गोरखपुर के विकास करा लीजिए। अब किसी सैफई का विकास नहीं होता है, बल्कि 75 के 75 जनपदों का विकास समान रूप से होता है। यही सबका साथ सबका विकास है। एक और चर्चा की उन्होंने सांड के विषय में, सांड के विषय में चर्चा की। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे सांडों का इलाज कर दिया, या तो ऊपर पहुंचे या जेलों के अंदर पहुंचे। आज चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। जो अत्याचार किए, जो शोषण किया, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद आते। इन्होंने बाबा साहब को भूमि भूमाफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, इन्हीं के नेताओं ने भूमाफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और बहन कुमारी मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश इन्हीं लोगों ने की थी। ये अनुसूचित समाज के रक्षक अपने आप को दिखाना चाहते हैं। अनुसूचित समाज जानता है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समान रूप से सभी वर्गों को लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। बिना भेदभाव के नौकरियां दी जा रही, बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उस जो इन लोगों के द्वारा हुआ, उस सब को पीछे रखते हुए सुशासन का जो ये दौर चल रहा है, रामराज की तरफ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। रामचरित मानस पर उंगलियां उठाते हैं, राम हमारे रग रग में है, राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारी सांसों में है, राम हमारे आदर्श है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम भगवान राम को मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। ये शंकर की भूमि है, ये गंगा यमुना सरस्वती की भूमि है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमि है, ये अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमि है, अखंड भारत का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि है। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए जो समरसता का संदेश हमारी सरकारों ने दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान के द्वारा देश को चलाने का कार्य हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया लुटेरों के लिए माना जाता था, आज वहां पर विदेशों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। यहां पर इस देश के विभिन्न राज्यों से इन्वेस्ट के लिए हमारे इसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों द्वारा इस देश को मिला। हमारे उत्तर प्रदेश में G20 के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर समिट, जिससे 84 लाख हमारे भाई बहनों को, 94 लाख भाई बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। मैं धन्यवाद करता हूं, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। हरिद्वार से जो कांवड़ लेकर आते थे, उनके ऊपर थूका जाता था। समाजवादी की सरकार में कांवड़ को खंडित करने का काम किया जाता था। आज उनकी तरफ एक उंगली उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं है। ये योगी राज है। ये आज हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपने पर्यटनों को विकास के लिए जो पूरे प्रदेश के अंदर एक सुशासन का राज्य स्थापित हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए। प्रदेश समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले नौ वर्ष के कार्यकाल में शौचालयों का निर्माण, आवास का निर्माण, हमारे किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, उससे आप लोग भी अछूते नहीं है, आपको भी लाभ मिल रहा है, और अंदर अंदर आप भी महसूस करते होंगे कि सरकार यही अच्छी है, यही हमेशा आनी चाहिए, और हम 24 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है, बेटियों में भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मेरे विपक्ष के मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को स्वीकार करिए। आप लोगों ने अत्याचार किया अनुसूचित समाज पर, आज भाजपा की तरफ अनुसूचित समाज बढ़ रहा है, और आज हम जाटव समाज के 20 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आए। आप लोगों ने तो हमेशा नीचे धकेलने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र धनौरा, जिसमें गजरौला औद्योगिक नगर भी आता है, दिल्ली जाने के लिए जब इन लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 4-4, 6-6 घंटे लगते थे। आज हमारे
केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने उसको डेढ़ घंटे एक डेढ़ घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। नहरों का निर्माण किया गया है, बिजली घरों का निर्माण किया गया है, सेतु निर्माण किए गए हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तिगरी धाम आता है जहां पर 20 से 30 लाख श्रद्धालु हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर आते हैं। उस मेले को आदरणीय योगी जी ने सरकारी घोषित करने का काम किया और इस बार उसकी पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए भी योगी जी ने कहा है कि इसका हम विकास करेंगे। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं, दिल्ली और नैनीताल के बीच में कोई पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक स्थल नहीं है, हमारे पास पूरी 9 किलोमीटर की पट्टी है। यदि हम इसको पर्यटन की दृष्टि से विकास करते हैं तो हजारों युवाओं को, हमारे भाई बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही युवाओं के, चूंकि बजट का विषय है, मेरे बहुत सारे युवा मित्रों के मुझ पर फोन आए कि इसी बजट में एक विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के हमारी निवेदन को स्वीकार किया, जिसके लिए आदरणीय रितेश जी हम सब लोग लगे हुए थे। इस बार 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की, उसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही चूंकि कांवड़ हरिद्वार और ब्रजघाट से बड़ी संख्या में आती है, मैंने भी इस बार तिगरी धाम से 2500 युवाओं के साथ मेरी कांवड़ रास के नाम हमने वहां से शुरू किए और अपने युवा मित्रों के साथ हम 30 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने धार्मिक स्थलों पर उसका जलाभिषेक किया था। मैं उसकी पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए, और साथ ही चूंकि जाम की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है, तो मैं तिगरी से गढ़ को जोड़ने वाले गंगा जी के पुल के निर्माण की भी मांग करता हूँ। साथ ही गजरौला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए मांग करता हूं। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इन लोगों ने तो मांगा नहीं, ये कैबिनेट मंत्री रहे हमारे जनपद से कही गई, आदरणीय अख्तर जी बैठे हैं यहां पर, कमाल अख्तर जी, आदरणीय महबूब अली जी बैठे हैं, लेकिन ये करा नहीं पाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार आदरणीय योगी जी गजरौला में ट्रॉमा सेंटर बनवाएंगे। आपसे मांग करता हूं कि ट्रॉमा सेंटर गजरौला में अति शीघ्र बनवाया जाए और गजरौला के अंदर ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, इसके लिए मैं मांग करता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, दड़वट खेत से लेकर शेरपुर तक 10.5 किलोमीटर हमारा तटबंध बन चुका है, थोड़ा तटबंध शेष है, उसको अति शीघ्र पूरा कराने के लिए मांग करता हूं। हमारे यहाँ गौवंश के लिए 2 गौशालाओं के निर्माण की भी मैं मांग करता हूं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय मेरे जनपद का, गजरौला अमरोहा विकास प्राधिकरण की मैं मांग करता हूं। आज मुरादाबाद से वो संचालित होता है, वहां पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गजरौला अमरोहा विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जिससे कि हमारे जनपद वासियों को, मेरे विधानसभा धनौरा के सम्मानित जनता को लाभ हो। गजरौला में अभी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ही काम कर रहा है, यदि नया विकास प्राधिकरण बनेगा तो निश्चित तौर पर जनपद वासियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में राजीव जी विशेष रूप से एक अमोल शिक्षक को पपसरी खादर में पढ़ाते हैं, कोविड में उनके साथी की डेथ हो गई थी, लेकिन एक शिक्षक 134 बच्चे, बाकी हमने व्यवस्थाएं अभी की हैं, वो प्रत्येक स्थान पर प्रथम अपने स्कूल को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये अनेक परिवर्तन विधानसभा के अंदर प्राइमरी एजुकेशन में, हमारी माध्यमिक एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी सरकार का सभी विकास कार्यों को कराने के लिए, मार्गों का चौड़ीकरण के लिए, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आपका केशव जी ने, जो बहुत बहुत धन्यवाद, उसका धन्यवाद समाप्त कर, और आपका बहुत धन्यवाद करते हुए, अभिभाषण का अपना पूरा समर्थन देते हुए कि हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो यहाँ पर अभिभाषण पढ़ा, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ। भारत माता